हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं आपकी दोस्त वर्षा। और आज मैं अपना लेबर रिकवरी जो मैंने की है उसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ। सो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ये वीडियो बनाने की, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ माय बेबी एंड ऑफिस। आई एम बिजी विद बोथ एंड यूट्यूब ऑब्वियसली। सो या अब मैं शेयर करूँगी कि हाउ वॉज आई एम स्टिल रिकवरिंग। मुझे अभी 2 महीने हुए, सो आई मीन अ रिकवरी फेज, बट हाउ डिड आई रिकवर। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। मेरा ये प्लान्ड सी सेक्शन नहीं था, मेरा एक नॉर्मल डिलीवरी थी प्लान्ड। एंड मैं हॉस्पिटल जब गई थी तो मेरी नॉर्मल मेरा मतलब लेबर पेन हो रहा था। सो फॉर 12 आवर्स आई वॉज इन लेबर, बट मेरे बच्चे दाने का मुँह नहीं खुल रहा था। सो बिकॉज ऑफ इट हमें इमरजेंसी सी सेक्शन कराना पड़ा, बिकॉज टाइम बहुत हो गया था। मेरा पेन बहुत बढ़ता जा रहा था। एंड देन जितना आपको पेन होता है ना, बेबी को भी उतना पेट के अंदर पेन हो रहा होता है। ये बात मुझे नहीं पता थी, बट मुझे अब पता चली है कि जब आपको कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो बेबी को भी पेन होता है। सो मी एंड बेबी बोथ आर सफरिंग। और इससे ज़्यादा मैं पेन लेती तो बेबी के लिए भी डेंजरस था, और मैं पेन ले भी नहीं पा रही थी। सो इट वॉज काइंड ऑफ डेंजरस फॉर बेबी। बेबी के लिए ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि बेबी को भी उतना ही पेन हो रहा होता है, और छोटा बच्चा कितना पेन लेगा। सो फिर मेरा सी सेक्शन हुआ। एंड मैंने सी सेक्शन से कम ऐसा डॉक्टर ने बोला, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, मैंने जल्दी रिकवर किया। मुझे 2-3 दिन रखना था, बट मुझे 2 दिन में ही उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, बिकॉज मैं इतनी जल्दी मतलब मेरे घाव थे वो भर रहे थे, मैं इतनी जल्दी रिकवर करी थी। बल्कि मुझे उन्होंने एक इंजेक्शन होता है वो भी नहीं दिया, बिकॉज वो 3 दिन लगातार लगना था, बट वो नहीं दिया बिकॉज मैं अच्छे से रिकवर कर रही थी। एंड मैंने डिलीवरी से पहले नॉट पहले एज इन कि जब मैं सेवेंथ एट्थ मंथ में थी, सो मेरी मम्मी ने लड्डू बनाए थे। वो जो होते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स थे एंड उसमें घी था। सॉरी फॉर दैट, आई हैव अ बेबी नाउ, सो मैं एक कॉन्स्टेंट वीडियो नहीं बना पाती हूँ। ओके, सो आई वॉज सो मेरी मम्मी ने लड्डू बनाए थे एंड उनमें घी बहुत ज़्यादा पड़ा था, ड्राई फ्रूट्स थे। देन अपार्ट फ्रॉम दिस मैं दूध में घी डालकर पीती थी एंड आई वॉज टेकिंग हेल्दी डाइट। ऊपर से मुझे एलोमेल इन्फ्यूजन हुआ था, उसमें मुझे प्रोटीन्स हाई प्रोटीन डाइट लेनी थी। सो ऑब्वियसली मेरा खाना पीना बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि मैं इसलिए इतनी जल्दी रिकवर हो गई, बिकॉज आई वॉज ईटिंग अ हेल्दी डाइट। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगी। पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि आप में प्रिपेयर रहिए, ये मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि भैया मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी करनी है, एंड आप उस चीज़ को जब माइंड में रख लेते हैं ना, एंड देन आपका एकदम से सी सेक्शन रहेगा, प्रिपेयर नहीं होते हैं। मैं इन दोनों के लिए प्रिपेयर थी टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के टाइम में वीडियोज़ देखती थी नॉर्मल डिलीवरी की, सी सेक्शन की। एंड मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था कि लुक आई एम प्रिपेयर फॉर बोथ। मैं मतलब ऐसा नहीं चाहती कि मैं नॉर्मल डिलीवरी का सोच कर जाऊँ, एकदम से वहाँ पे सी सेक्शन हो जाए मैं पैनिक हो जाऊँ। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दी बोथ एंड दिस इज़ द रीज़न मैं पैनिक नहीं हुई ज़्यादा, बिकॉज आई वॉज लाइक ठीक है देखा जाएगा। एंड जो भी लोग बोलते हैं कि सी सेक्शन इज़ द ईजी वे आउट, सो नो डूड, इट्स नॉट सी सेक्शन इज़ नॉट अ ईजी वे आउट। ठीक है, जो पेन ओके उस टाइम पेन नहीं होता है, जो नॉर्मल जो लोग सी सेक्शन बोलकर जाते हैं, सो वो प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ सी सेक्शन कराना है, वो जाते हैं सी सेक्शन हो जाता है उनका। बट आफ्टर दैट देयर इज़ सो मच स्ट्रगल विच आई नो। सो जो मुझे अब मैं वीडियोस देखती थी, मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ती थी जो बोलते थे ओ सी सेक्शन तो बहुत ईजी वे आउट है, तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ प्लीज़ इट्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं है। जो अगले 3 महीने आपकी बॉडी की लगती है ना, वो आपको पता है, मुझे पता है क्या लगता है। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, आई वॉज नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली, मैं लेट नहीं पाती थी, खा नहीं सकते प्रॉपरली, वॉशरूम जाने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हमें बैठना पड़ता है, ट्रैवल नहीं कर सकते आप। सो जो भी बोलते हैं ना हाँ सी सेक्शन बहुत ईजी वे आउट है, तो प्लीज़ जिनका हुआ है उनसे पूछ लीजिए उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है। सो इट्स नॉट ईजी वे आउट, मैं चाहती नहीं थी, मेरा फिर भी हुआ। तो मैं मुझे दोनों का दर्द पता है, क्योंकि मेरा 12 घंटा मैं लेबर में भी थी एंड
एंड मेरा सी सेक्शन है सो आई नो बोथ. ओके सो मेरी रिकवरी कैसे चल रही है. सो जब मैं डिस्चार्ज होकर आई, चलने में प्रॉब्लम होती है बट स्टिल आई वाज वॉकिंग एंड उठने बैठने में और एक वीक तक आप नॉर्मल बॉइल्ड खाना खाइए, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाइए, ठीक है. एंड या मैं ये अभी से पहले बताना चाहती हूँ कि हमारा डॉक्टर, जो डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट किया है, मैं वो आपको बता रही हूँ, और जो मेरी बॉडी में सूट किया है, जो मैंने किया मैं आपको वो बता रही हूँ. मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैंने किया वो राइट वे है, आपको वो करना चाहिए. आपको जो आपका डॉक्टर कंसल्ट करता है, और दूसरी चीज़ जो आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, वो कीजिए. मेरा सुन के मेरी चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट बॉडी, यू हैव अ डिफरेंट बॉडी, बट या यू कैन टेक आइडिया फ्रॉम माइन, दैट्स इट. सो मैं वीडियो से ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो यू नो मैं सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर नहीं हूँ, नथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू एंड यू कैन रिलेट, और आपको सूट करता है तो वेल एंड गुड. सो मैंने एक वीक तक नॉर्मल खाना खाया था, देन एक वीक के बाद मैं यू नो अपने नॉर्मल डाइट में आने लगी थी. रीज़न ये था, मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कि एक वीक तक तो आपको बिल्कुल यू नो बॉइल्ड खाना खाना है एंड ऑल, उसके बाद यू कैन ईट एनीथिंग. मेरे डॉक्टर ने बोला कि मेरे उससे तुम सब चीज़ खा सकते हो, लेकिन इन द इट्स योर बॉडी, आपकी बॉडी जो सूट करता है वही खाइए. सो मेरी बॉडी को टच हुआ, मेरी बॉडी को जब भी सूट किया एंड मैंने यू नो बाहर का भी थोड़ा थोड़ा खा ले, थोड़ा थोड़ा खाती थी. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कुलचे उलचे लाई, इतने बड़ा भर के 2-3 प्लेट, नो. अगर मैं स्प्रिंग रोल खा रही हूँ तो मैं 2 पीस खा रही हूँ, चाउमिन खा तो थोड़ी सी चाउमिन, मंचूरियन भी खाया मैंने, एक मोमोज भी खाए मैंने. सो आई वॉज ईटिंग. सेकेंड चीज़, आप बोलोगे कि आप ब्रेस्ट फीड कर रही हो, सो गाइज लुक, क्या होता है कि आप जैसे अपने बच्चे को ढालेंगे ना, आपको बच्चा वैसे ही ढलेगा. मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई एम ईटिंग राइट नाउ, इट्स 2 मंथ एंड आई एम ईटिंग एवरीथिंग. स्पाइसी भी खा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, हर चीज़ खाती हूँ एंड टच वुड मेरे बेबी को प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेरा बेबी उस चीज़ को ले रहा है. सो क्या होता है कि अगर आप बॉइल्ड खाना खाते रहेंगे, किसी दिन आपने स्पाइसी खाना खा लिया, आपका बच्चा बीमार हो जाएगा. सो इट्स बेटर कि आप धीरे 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 करके अपनी डाइट में ना चीज़ें इंक्लूड करते रहिए, ताकि आपके बच्चे को आदत हो. और मैं ये नहीं कह रही कि ज़्यादा खा लीजिए, वो मत करना, थोड़ा थोड़ा करके अपनी डाइट में आप अपनी नॉर्मल डाइट लीजिए, थोड़ा सा स्पाइसी भी खाइए, ताकि आपके बच्चे को आदत हो जाए. एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ट्रस्ट मी गाइस, मैं ये करती हूँ एंड माई बेबी इज़ फिट एंड फाइन एंड वो सब खाना डाइजेस्ट कर रही है, एवरीथिंग इज़ फाइन. सो या सेकेंड चीज़, जब आपका डिलीवरी मतलब सीजेक्शन होता है, तो उस टाइम पे वो आपके वहाँ पे वर्जाइना की जगह पाइप लगा देते हैं, क्योंकि हम वॉशरूम नहीं जा सकते, क्योंकि आप उठ नहीं सकते लाइक. सो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जब वो पाइप निकलती है तो फिर आप बहुत सारा पानी पीजिए, बिकॉज बहुत लोगों को नीचे इन्फेक्शन हो जाता है. सो मैंने वो चीज़ नहीं फॉलो की थी, क्योंकि मुझे ना बार बार उठने बैठने में वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं पानी ज़्यादा नहीं पी रही थी इस डर से. एंड ऑल्सो जब आपकी डिलीवरी होती है, ये मोस्टली सबको होता है, डॉक्टर ने मेरे को पहले बोल दिया था कि उनको पॉटी जाने में प्रॉब्लम होती है, आपको होती नहीं है एंड आप जोर नहीं लगा सकते क्योंकि आपके टाके लगे हुए हैं. सो मेरे को एक बार ही हुआ ऑब्वियसली, जब यू नो मैं डिलीवरी जब मैं आई घर में, मेरी एक वीक तक मेरी टॉयलेट नहीं आई एंड फिर मुझे घबराहट हुई थी कि मेरी टॉयलेट नहीं आई. फिर मैं, क्योंकि मेरा खाना कम हो गया था, मैं खाना नहीं खा पाती, क्योंकि जो खा रही थी निकल ही नहीं रहा, तो मैं खाऊंगी कैसे. फिर मैंने, मेरे डॉक्टर ने एक दवाई, फिर मैंने उनको मैसेज किया कि लुक मुझे जैसा आपका डर था वो हो गया. सो उन्होंने मुझे एक दवाई दी, मैंने सिरप, वो एक सिरप होता है, तो मैंने वो सिरप पिया एंड उसको पीते ही यू नो मैं फ्रेश हो गई. सो आप इसमें हाई फाइबर्स वाली डाइट लीजिए, लाइक पपीता खाइए, चीकू खाइए, तो उससे भी आपको यू नो अच्छे से पास हो जाता है आपका स्टूल. सो मैंने पपीता वपीता फिर खाया, वो मेरे बस एक बार ही हुआ प्रॉब्लम, उसके बाद मुझे फिर नॉर्मल मेरा स्टूल हो रहा था एंड आई वॉज रेगुलर, एवरीथिंग वॉज फाइन. और क्या मैं ये बोलूँगी कि अपनी डाइट, ये नहीं कि लेबर है आपका, मतलब उसी सेशन में आप बिल्कुल बॉइल्ड खाने में चले जाइए, नो.
एक वीक तक किया था मैंने, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई थी। मैं धीरे धीरे करके यू नो सब चीज़ खा रही थी। ज़्यादा ऑयली ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है, ठीक है? सो वहाँ पे ध्यान रखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम रिकवरिंग गुड एंड मैं अभी, मुझे 3 महीने तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। वैसे मैंने ऐसा कुछ गेन नहीं किया है वेट, बट थोड़ा बहुत गेन हुआ है। सो डाइट लेने की मत सोचना है, आप ये मत सोचना कि मैं डाइटिंग करूँगी। आप एक बच्चे को फीड कर रहे हैं तो आप डाइटिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो आप खाते हैं ना उसका दूध बनता है। सो आपकी डाइट बढ़ती है, मेरी डाइट भी बढ़ गई है एंड क्योंकि मैं इसको फीड कराती हूँ। बट मैं डाइटिंग करने की बिल्कुल नहीं सोच रही, मैं डाइट नहीं लूँगी, बट या मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दूँगी। एक्सरसाइज में मैं हैवी एक्सरसाइज भी करूँगी, लाइक वॉक कर लिया एंड थोड़े से स्क्वाट्स मार लिए, क्लेंजेस कर लिए एंड ऑल दैट, पेट की एक्सरसाइज कर ली। मेरा पेट थोड़ा सा निकला हुआ है सो उसको स्लिम करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कोई डाइट नहीं लूँगी बिकॉज आई एम फीलिंग अ गर्ल, यू नो आई एम फीलिंग अ चाइल्ड एंड मुझे प्रॉपर डाइट लेनी है। और अपने बच्चे को फिर मेरे टाइम से दूध बनेगा और मेरे बच्चा पिएगा, तो मेरे बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है वो। सो टू, और मैं यहाँ पे बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। अगर यू नो होता है प्रेगनेंसी के बाद आप फूल जाते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, नो नीड टू वरी। सोसाइटी आपके ऊपर प्रेशर डालेगी बताने का, इट्स अप टू यू। मैं फिट होना चाहती हूँ, मेरे ऊपर है। एंड मैं कमेंट ये नहीं कर रही हूँ कि ओहो आप फिट नहीं है। नो, आपकी बॉडी है, इट विल टेक टाइम एंड इट्स ओके। आपने मेरे बेबी को बर्थ दिया है, यू जस्ट इन्जॉय योर मदरहुड। मैं तो ये बोलूँगी आई एम इन्जॉइंग माई मदरहुड, यू ऑल्सो इन्जॉय योर मदरहुड एंड इट्स अप टू यू। जब आपको वेट लूज करने का मन करे, नहीं भी करा, इट्स टोटली योर विश, यू आर द मॉम, यू आर द बॉस। सो एनी वेज, दैट वॉज माई यू नो सी सेक्शन रिकवरी जर्नी, इट्स गोइंग गुड। आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, मैं 3 बार दूध पीती हूँ। फिर मेरी सास ने मेरे लड्डू बनाए, उसको पिंजरी बोलते हैं आई गेस, पंजेरी। सो मैं वो खाती हूँ, उसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, बहुत सारी, इतना सारा घी डलता है एंड इट्स वेरी हेल्दी। सो वो भी खाइए, उससे दूध भी बनता है और वो वैसे भी हेल्दी होता है। सो डू ईट दैट और अपनी केयर कीजिए, या आपका टाइम है आती है नॉर्मल डिलीवरी भी, फिर भी अपनी केयर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि दोनों में आपने यू नो एक बच्चे को अपने बॉडी से निकाला है एंड आपकी बॉडी ने बहुत सफ़र किया है, सो यू हैव टू टेक टाइम टू रिकवर एंड इट्स ओके। सो ऑल दी मम्मीज ऑल दी बेस्ट एंड यू कैन डू इट। आई नो इट्स डिफिकल्ट, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के साथ, बट इट्स वर्थ इट। एनीवेज दिस इज इट फॉर माय टुडेज़ वीडियो and I will be back with more videos, so take care and if you have any questions to let me know and मैं झूठ नहीं बोली, बट मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन अब आ रहे हैं। मुझे इंस्टाग्राम में भी बहुत लोग पिंग करते हैं, पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं यू नो वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछते हैं। सो आई फील गुड कि यू नो दे आर कमिंग अप टू मी एंड दे आर आस्किंग मी क्वेश्चंस। यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड इट्स बेटर टू हैव अ नॉलेज, राइट? सो टेक केयर and we both will be back with more videos. You take care. Bye bye. Bye bye.